तो यहाँ पे असरानी जी जो है वो आ चुके हैं, बॉलीवुड के बहुत ही बड़े अभिनेता, और यहाँ पे भूरा ढोलक देख सकते हो, ये आ चुके हैं मेरे साथ में। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों कानपुर में जैसा कि आज हम अपने ही क्षेत्र में हैं, और आज यहाँ पे बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं, बहुत सारे एक्टर आ रहे हैं और सिंगर भी आ रहे हैं, जो कि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन यहाँ पे आने वाला है। दोस्तों अभी क्या है, फरमानी नाच जो है वो जा रही थी, इसलिए खेद है कि हमको बीच में इंट्रो जो है वो रोकना पड़ा। और कानपुर में बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोग जो है आए हुए थे। कौन कौन आया था आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आपको मैंने पहले ही शॉर्ट वीडियो में बताया कि फरमानी नाच, साथ में असरानी जी, और यहाँ पे बहुत सारे जो है सिंगर, दो सिंगर थे, जॉली जी थे और एक और सिंगर थे, वो मैं आप लोगों को सारे वीडियो में ही बताऊंगा। बाकी आपको जो है यहाँ का अभी आप माहौल देख रहे होगे तो ऐसा लग रहा होगा कि कोई नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम जो है अभी समाप्त हो चुका है, लेकिन जो प्रोग्राम हुआ जितना वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों अभी आ चुके हैं जॉली मुखर्जी, ये सामने आप देख सकते हो जॉली मुखर्जी जा रहे हैं। ये एक हिंदी गायक है और बहुत सारे इन्होंने हिंदी गाना गाए हैं और एक्टिंग भी कभी कभी की है, लेकिन हिंदी गानों में जो है इनकी बहुत ही बढ़िया जो है छवि है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ चुके हैं, और इनकी अगर गानों की बात करें तो आपने सुनी होगी कि चांदनी ओ चांदनी, इसके बाद सोनी मेहवाल के गाने हो गए, इसके बाद जो सात समुंदर पार वाला गाना था वो हो गया, इनका एक और गाना था सुन ले ओ हसीनो, और चांदनी ओ चांदनी जैसे बहुत सारे इन्होंने हिंदी फिल्मों में गाने गाए हैं। और हिंदी फिल्म के गाने इनके बहुत ही मशहूर हुए थे 90 के दशक में, और इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से कानपुर में एक ऐसी छवि छोड़ी कि भाई साहब बिल्कुल एकदम मजा आ गया। तो इनके गाने जो है मैंने सुने और काफी मुझे मजा आया, और ये जो है फिलहाल बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े जो है सिंगर हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। पब्लिक देख सकते हो कितनी सारी पब्लिक यहाँ पे आई हुई है। तो अभी यहाँ पे फरमानी नाच जो है वो आ चुकी है, सामने आप देख सकते हो कि फरमानी नाच जो है आ रही है। हर हर शंभू से इनका जो एक गाना जो वायरल हुआ था उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। फिलहाल ये आ चुके हैं, देख सकते हो आप, ये हैं फरमानी नाच। शिवानी कुमारी भी है इनके साथ में। तो अच्छा हाँ, इनका ब्लॉग आया था मैंने देखा था सुबह की, शिवानी कुमारी के गांव में रुकी हुई हैं, तो इनका भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा शिवानी कुमारी का। बाकी यहाँ पे आ गई फरमानी नाच। यहाँ पे आप देख सकते हो कि असरानी जी आ चुके हैं, बॉलीवुड के एक बहुत ही महान अभिनेता, जिन्होंने अपने कमेटी के दम से पूरे बॉलीवुड पे जो है राज किया, और इनकी कमेटी जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा कि हम तो अंग्रेजों को जवानी के डीलर है वाला डायलॉग बहुत ही वायरल हुआ था इस समय में। तो ये भी यहाँ पे आ चुके हैं असरानी जी, और ये आप देख सकते हो ये जो जा रहे हैं यहाँ पे, और इस तरह से जो है ये पूरी सिक्योरिटी के साथ में, क्योंकि मैंने और सभी लोगों को देखा इतनी सिक्योरिटी नहीं थी असरानी जी की, इसमें देख सकते भाई साहब चारों तरफ जो है सिक्योरिटी लगी हुई है। और ये है असरानी जी, तो सामने आप देख सकते हो कि सामने असरानी जी का शो होने लगा है। दरअसल मेरा जो है माइक का आवाज बंद हो गया था, क्योंकि मेरा माइक जो है स्विच ऑफ हो गया था, और जो प्लग है इसमें लगा हुआ था, इसके लिए जो वॉइस रिकॉर्ड किसी भी उसमें नहीं हो पाई, और मैं गाना जो है तो सुना ही नहीं सकता था आपको, तो कॉमेडी भी नहीं सुना पा रहा हूँ। इसलिए असरानी जी की जो है कॉमेडी काफी मशहूर है, और इन्होंने काफी जमकर जो है यहाँ पे अपनी जो है एक्टिंग की। दोस्तों यहाँ पे राजीव निगम की कॉमेडी चल रही है, चलो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत सुना देता हूँ कि किस तरह से उनकी कॉमेडी लास्ट में हुई थी। जैसे कोई एक्सपायर हो गया तो आपने देखा होगा शोक व्यक्त करने वाले लोग पहुंचते हैं घर पे, इसमें तरह तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग बड़े जेंटलमैन शरीफ होते हैं, जाते हैं उनको भी दुख है, अपना रुमाल रुमाल लेके जाएंगे घर पे बाहर खड़े होकर। भारत उसमें मेरा बहुत बुरे आदमी का रोल, अरे मैंने बहुत बुरे आदमी का रोल किया है, रे बग्गा नाम है उसका, तजिंदर बग्गा, वो बहुत बुरे आदमी का, बुरे आदमी का रोल करना चाहिए, बुराई खत्म होती है अच्छाई शुरू होती है। तो मेरा वादा आपसे था Thank you.
कानपुर। तो दोस्तों अभी क्या है, पूरा प्रोग्राम जो है वो समाप्त हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो पूरा जो है ये खाली पड़ा हुआ है और सभी लोग जा चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बोल दिया था कि सारे लोग जा चुके हैं और अभी हम लोग भी जा रहे हैं क्योंकि 1:30 बज रहा है। हमारा चेहरा जो है लाल लाल हो रहा है नींद की वजह से, तो हमने सोचा सभी लोग तो जा चुके हैं और हम भी चलते हैं यहाँ से। बाकी आप लोगों को जितना भी मैं हो सका, मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि जो है फिल्मी गाने चल रहे थे कॉपीराइट का, तो आप फंडा जानते ही हो, इसलिए मैंने जितना हो सका मतलब थोड़ा थोड़ा जो है आप लोगों को सुना दिया है। और फरमानी नाच का हर हर शंभू वाला गाना भी मैंने आप लोगों को सुना दिया है, जो जितना मैंने रिकॉर्ड किया है 1 मिनट के करीब। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, बहुत सारे जो है यहाँ पे कलाकार आए थे और असनानी जी भी आए हुए थे, तो आप लोगों को देखकर वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।